SRU मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खुल गया है सुंदर नगर खेड़ी गुजरान फरीदाबाद के अंदर। आपको बता दें आज इस SRU मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की शुरुआत की गई। डॉक्टर से बात करेंगे कि इस हॉस्पिटल में मरीजों को क्या क्या सुविधाएं देने जा रहा है यह हॉस्पिटल, क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, इसके अलावा मेडिक्लेम को लेकर, इंश्योरेंस को लेकर क्या क्या स्कीम्स हैं इनके पास, और किस प्रकार की डेली OPD रूटीन रहेगी इसमें, और क्या क्या जानकारी लेने की कोशिश करेंगे डॉक्टर से। आइए बात करते हैं। नमस्कार सर। डॉक्टर साहब बताएं अपनी हॉस्पिटल के मतलब क्या क्या सुविधाएं हैं आपके यहाँ पर, किस किस तरह की बीमारियों का इलाज कर सके। सर सबसे पहले तो आपको बधाई हो इस हॉस्पिटल को इनॉग्रेशन पे। जी सर देखिए हॉस्पिटल जो है ये हमारा है हॉस्पिटल SRU मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो कि सुंदर कॉलोनी खेड़ी गुजरान में है। और ये हॉस्पिटल जब जैसा कि नाम से आप देख रहे हैं कि मल्टी स्पेशलिटी, डेट मीन्स कि मल्टी स्पेशलिटी सारी की सारी बीमारियों का हम यहाँ पे ट्रीटमेंट करने के लिए हमने यहाँ पे आए हैं जी। अब बात करते हैं कि पेशेंट टू पेशेंट क्या बीमारी होती है, कैसा होता है। फॉर एग्जाम्पल कि भाई किसी को कुछ डाइग्नोस्टिक डिसीज है, किसी को कुछ डिसीज है, तो वो हम सारी बीमारियों को हम कवर करके हमने इसको स्टार्टअप डाला है। मेजर हमने जनरल मेडिसिन और गायनेकोलॉजी पे फोकस किया है। अच्छा। कि जनरल मेडिसिन में हमारे जो कॉमन बीमारियां हैं जिसमें आपके सर्दी, उल्टी, दस्त, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू, तो ये जो कॉमन बीमारियां जिससे आम जन कॉमनली प्रभावित होता है, स्पेशली ग्रामीण क्षेत्र जो है जी। तो हमारा फोकस उस पर रहेगा ताकि हम आम ग्रामीण जन को ये सुविधाएं यहाँ दे सकें। उसके साथ साथ हमने महिलाओं और बच्चों पर भी फोकस किया है, तो हमने हमारे यहाँ गायनेकोलॉजिस्ट 24 घंटे रहेंगी, साथ साथ हमने पीडियाट्रिक के लिए भी हमारा कंसल्टेशन OPD कंसल्टेशन अवेलेबल रहेगा जिससे हम आम जन को महिलाओं से जो रिलेटेड बीमारियां हैं जिसके कारण उनको जूझना पड़ता है आम जन जीवन में जी, इसके लिए उनको शहर जाना पड़ता है या फिर मेन फरीदाबाद बड़े हॉस्पिटल्स में जाके एक मोटा पैसा देना पड़ता है जी, उसके हम यहाँ पे मिनिमम खर्चे में, कम से कम खर्चे में एक अच्छी सुविधा देने की कोशिश है हमारी। कितने बेड हैं आपके अस्पताल में और मतलब ICU भी रखा हुआ है क्या आपने? अभी हमारे पास जैसे कि जो हॉस्पिटल 25 बेड रजिस्टर्ड है जी, जिसके अंदर हमारे जनरल वार्ड हो गया, सेमी प्राइवेट हो गया, प्राइवेट हो गया, NICU हो गया, ICU की फैसिलिटी है, फिर हमारा रिकवरी हो गया, OT, ऑपरेशन थिएटर हो गया, तो इन सब के साथ हमने इसको कंप्लीट 25 बेड हमने इसको स्टार्टअप किया है। और जैसे जैसे हमारे पेशेंट को ये बढ़ता जाएगा होता जाएगा तो हम डे टू डे हम इसको हमने बेड एक्सपेंड करने के लिए सुविधा रखी कि हम बेड अगर कोई लोड आता है या अगर कोई सडन कोई डाउट रहता है तो हम उसके लिए हमारे पास एक्सपेंड करने की सुविधा है। और साथ में हमने ICU हॉस्पिटल स्टार्ट किया है। और जैसे कि अभी देख रहे हैं कि न्यूज में आ रहा है कि भाई कोरोना कोरोना कोरोना, तो वो भी हमारे पास पूरी फैसिलिटी के साथ हमने इसकी तैयारी हमने ऑलरेडी कर रखी है। जैसे भगवान ना करे कि कोरोना इस लेवल पे आए जी, अगर फिर भी आता है तो हम उसके लिए पहले से बिल्कुल रेडी है। जैसे कि देखा गया है कि जो है जो भी हॉस्पिटल खुलते हैं कॉलोनियों के बीच में होते हैं, वहाँ गरीब लोगों के लिए कुछ सुविधाएं दी जाती हैं ताकि कुछ गरीबों को मदद मिल सके, तो उसमें आपने क्या रखा? हमने अस्पताल के लिए सबसे पहले तो हमने शनिवार और इतवार को इस दो आने वाले एक क्वार्टर ऑफ 3 महीने में हमने शनिवार इतवार की फ्री OPD रखी है। कोई भी व्यक्ति आके अपना फ्री चेकअप करा, हेल्थ चेकअप करा सकता है। सैटरडे संडे फ्री OPD है। यस, सैटरडे संडे फ्री OPD करी है। और साथ ही साथ अभी हमने जो जो हॉस्पिटल की कंसल्टेशन फीस है वो भी बहुत मिनिमम रखी हुई है, बहुत नॉमिनल है, सिर्फ मात्र 150 रुपये, 150 रुपये में आपको गायनी कंसल्टेशन, जनरल मेडिसिन कंसल्टेशन अवेलेबल है। तो फर्स्ट 3 महीने के लिए नहीं, एवरी सैटरडे तो सिर्फ हमने सैटरडे संडे सिर्फ 3 महीने के लिए रखा जो फ्री है जी, जी। बाकी हमारा जो कॉमन जो हमारा जो डॉक्टर का OPD कंसल्टेशन है जी, वो बहुत मिनिमम है 150 रुपये। डॉक्टर साहब आजकल जो नए हॉस्पिटल खुल रहे हैं आजकल जी, उनमें क्या हो रहा है आजकल जो भी छोटा सेटअप जो खुल रहा है उसमें कुछ मेडिक्लेम की सुविधा है, कुछ डॉक्टर अपनी तरफ से कर रहे हैं और कुछ जो स्टाफ है स्टाफ का भी कर रहे हैं, और कुछ मेडिक्लेम की जो सुविधा है ना लगातार डॉक्टर दे रहे हैं अपनी तरफ से दे रहे हैं पेशेंट को, और कुछ किस्तों में पैसा ले रहे हैं, कुछ ऐसा कुछ है सर? जी ये भी फैसिलिटी हमने इसमें रखी है जो हमारा मेडिक्लेम है, ये भी हमारे पास जो हॉस्पिटल हमारा SBI पे है। अभी हमने हमारे इंश्योरेंस कंपनीज के साथ बात चल रही है, जैसे जैसे इम्पैनलमेंट होगा हम उसकी जानकारी हमारे सूचना पटल पे उपलब्ध हो जाएगी। साथ साथ हमने हमारे क्षेत्र के जो जैसे CMO साहब भी आए हैं, हमने कोशिश की है कि अस्पताल को हम सरकारी जो स्कीमें हैं
आयुष्मान भारत हो गई, आपकी गरीबी रेखा के नीचे के जो भी कार्यक्रम जो भी प्रोजेक्ट चलते हैं हेल्थ से रिलेटेड, हमने उसके लिए भी आवेदन किया है। जैसे हमारा आवेदन स्वीकृत हो जाएगा हम ये सुविधाएं भी यहाँ चालू करेंगे। और डेली ओपीडी किस किस डॉक्टर की रहेगी? डेली गायनी की रहेगी और जनरल मेडिसिन की रहेगी। ठीक है, जनरल मेडिसिन में जनरल मेडिसिन डॉक्टर्स हैं हमारे साथ, वो आपको उसकी सूचना मिल जाएगी। अच्छा, तो वो अवेलेबल रहेंगे और साथ में गायनी के लिए डॉक्टर निशा रहेंगे। तो जनरल फिजिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट जो है वो डेली बेसिस पे ओपीडी रहेगी। ठीक है, बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत शुभकामनाएं हैं और दोबारा शुभकामनाएं। धन्यवाद, आपका सहयोग चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।